खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। शरद व्यास हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से साफ तौर पर पहले ही कहा जा रहा था कि भव्यता नहीं दिखेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ और पांच विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के जो माहौल वर्तमान में चल रहा है, इसमें भव्यता दिखाना कहीं ना कहीं एक ये नासमझी होती, लेकिन ये पूर्व से विदितता की कोई भी भव्यता नहीं होगी इस प्रकार के मंत्रिमंडल में। इस बात को भी सर्वविदित थे कि पांच मंत्री जिनके नाम जनतंत्र टीवी के दर्शक पूर्व में ही जान चुके थे कि कौन से पांच ऐसे विधायक है जो मंत्री बनेंगे, जिसको लेकर हम सुबह भी इस बात को लेकर चर्चा की थी कि कौन कौन से मंत्री, किस किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा गया है, साथ ही साथ किस किस विधायकों की क्या काबिलियत है, उस आधार पर उनको मंत्री पद दिया गया है। तो ये सभी चीजों को देखते हुए यदि हमने देखा है तो नरोत्तम मिश्रा, जिसका हमने पूर्व से ही बात की थी, नरोत्तम मिश्रा को मंत्रिमंडल मिलना है। क्यों मिलना है इस बात की जानकारी भी थी, क्योंकि एक बड़ा नेता है, लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, साथ ही साथ इतने लंबे समय से मंत्री भी रहे हैं वो अलग अलग विभागों के। हरदा से कमल पटेल की बात करें तो लंबे समय विधायक रहे हैं, और बीजेपी संगठन की बात कर ले या फिर अन्य चीज़ों की बात कर ले तो उसमें उनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है, संघ से जुड़े हुए रहे लंबे समय तक। तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के नज़दीकी है, एक संवेदनशील नेता माने जाते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने बखूबी संभाला था कांग्रेस सरकार में 14 महीने के लिए। मिलावट के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी जो कि काफ़ी पूरे देश भर में जिसका बहुत नाम हुआ था। हम गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने बेहतर काम किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। और मीना सिंह की बात करें, 5 बार के विधायक है, तो मानपुर से विधायक, मानपुर क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ से विधायक है, तो उनको भी मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा था। तो 5 विधायकों के साथ एक खुद मुख्यमंत्री यानी कि 6 लोगों की अब ये पूरी कैबिनेट तैयार हो चुकी है। ये भी हालांकि बहुत ही छोटे स्तर पर है, लेकिन आने वाले जब लॉकडाउन खुलेगा यानी 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खुलने की स्थिति होगी तो उसके बाद एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा। और कैबिनेट के विस्तार में जो अन्य नेता है, भूपेन्द्र सिंह है, गोपाल भार्गव है, या फिर कांग्रेस के कुछ अन्य जो नेता है, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर लें, या फिर और जो कांग्रेस से बीजेपी में सिंधिया समर्थित आए हैं उनकी बात कर लें, तो ये सभी को मौका मिलेगा। और 3 तारीख के बाद एक बड़ा मंत्रिमंडल भी देखने को मध्य प्रदेश में मिलेगा, लेकिन फिलहाल जरूरत थी एक मंत्रिमंडल की जिसमें सभी लोग अपने अपने स्तर का बिल्कुल काम कर सके। साफ तौर पर शरद ये कहा जा सकता है कि एक मंत्रिमंडल की जरूरत थी जिसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना भी साध रहा था, और अब वो मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद है। स्वाभाविक सी बात, देखिए विपक्ष का काम है निशाना साधना, विपक्ष का काम है हल्ला बोलना, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के ऊपर उंगलियां उठाना ताकि बेहतर काम हो सके, और सत्ता पक्ष का भी काम है कि उनकी बातों को सुनते हुए लगातार काम करना। मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी दिशा को दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन चूंकि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की जो चीजें थी, जिस तरह की गाइडलाइन थी, उसी की वजह से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा था। लेकिन चूंकि 20 तारीख के बाद से थोड़ी राहत मिली है, कुछ जगहों पर अनुमति मिली है गाइडलाइन के तहत, तो इसी वजह से मंत्रिमंडल का गठन यहां पर किया गया है। और अब इस मंत्रिमंडल के साथ शिवराज सिंह चौहान एक सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और संभवतः माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें काफी हद तक सुधार की भी गुंजाइश मानी जाएगी। जी।